एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूं कि आप लोग बहुत ही हेल्दी और खुश होंगे। गाइस, मैं आज आप लोगों को अपना किचन टूर करा रही हूं। नॉर्मली आप लोगों ने मेरे ब्लॉग्स में मेरे किचन को तो देखा ही है, फिर भी आज मैं ब्रीफ में आप लोगों को किचन टूर करा रही हूं। गाइस, ये है फर्स्ट रूम। मेरा किचन दो रूम में है, मतलब ये है डाइनिंग हॉल, देख रहे हैं डाइनिंग टेबल है जिस पर मैंने इंडक्शन रखा हुआ है, और मॉर्निंग टाइम है, एकदम अर्ली मॉर्निंग है। इस पर देखिए दूध गर्म हो रहा है। यहाँ पर मैंने भगोना रखा हुआ है कि अभी सब्जी बनेगी, तो यहाँ पर जो चीज़ों का यूज़ होगा मैंने यहाँ रखा हुआ है गाइस। और ये देखिए, ये मेरी चाय की चीज, अदरक कूटने के लिए खल है, और ये मेरा शुगर है, और ये चाय पत्ती है, क्योंकि चाय मैं यहीं बनाती हूँ इसलिए गाइस इसको मैं यहीं रखती हूँ। ये मेरा मटका है जिसकी अभी कोई ज़रूरत नहीं पड़ रही है। ये पैथन का डिब्बा है, क्योंकि रोटी यहीं पर बनती है इसलिए पैथन का डिब्बा यहीं पर रहता है गाइस। और ये देखिए, ये है मेरा फिल्टर पानी का, जिसे आप लोगों ने कई बार देखा होगा। मैंने इलेक्ट्रिक वाला नहीं लिया है क्योंकि हम लोग शिफ्ट वाली नौकरी में हैं, हम लोग यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र लेते रहते हैं, तो इसमें निकालने में बहुत प्रॉब्लम होती है, इसीलिए फ्रेंड्स मैंने ऐसा वाला ख़रीदा है। और ये जग है जिससे पानी आप लोगों ने देखा होगा डलते हुए। यहाँ पर मेरे किचन में गाइस दो फ्रिज आप लोग देख रहे हैं, तो ये जो ब्राउन वाला फ्रिज है ये कंपनी का फ्रिज है, और ये जो ब्लैक वाला है ये हम लोग का पर्सनल है। मैं दोनों ही यूज़ करती हूँ फ्रेंड्स। और ये देखिए, ये एक बेसिन है इस कमरे में जहाँ पे बर्तन वगैरह हम यहीं धुलते हैं। ये बर्तन साफ करने वाला देख रहे हैं आप सामान है। और ये हमारा स्ट्रेनर है जो मैंने अभी आप कुछ दिनों पहले ही ख़रीदा है, तो अभी रात के बर्तन निम्मी ने धुल के रखा है, वो रात में ही धुल ली थी, अभी मैंने उसे रखा नहीं है, अभी मैं रखूँगी। और ये देखिए गाइस, यहाँ पर मैं चेयर भी रखती हूँ, क्योंकि इस कमरे में देखिए इसमें फ़ैन है, सीलिंग फ़ैन है इसमें, इसीलिए जब हमेशा चलता रहता जब मैं किचन में रहती हूँ इसलिए इसमें गर्मी नहीं होती, तो एक फ़ैन के नीचे बैठने के लिए मैंने एक चेयर रखा हुआ है। ये देखिए फ्रेंड, यहाँ विंडो पर मैंने रखा हुआ अपना मिक्सर, ये है मेरा मिक्सर, और क्योंकि स्विच बोर्ड यहीं पर है फ्रेंड, इसीलिए मैंने मिक्सर को यहाँ रखा है, और स्विच बोर्ड यहाँ है तो कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा मैं यहाँ पर फराटा फ़ैन भी लगा लेती हूँ। अब फ्रेंड चलते हैं हम। और यहाँ पर फ्रेंड ये देखिए, ये एक छोटा सा शोकेस है जिसमें मैं अपना रेगुलर जो मेरे यूज़ के सामान है वो मैं रखती हूँ। और ये मेरी दो ट्रे है जो कोई मेहमान वगैरह आता है, ये देखिए ये टूट भी गई शिफ्टिंग के टाइम, ये टूट गई थी फ्रेंड, सामान लाने में नुकसान तो हो ही जाता है, तो ये हुआ है। चलिए फ्रेंड अब मेन किचन में चलते हैं। ये हमारी मेन किचन की एंट्री है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड, ये है मेरा गैस रखा हुआ, मैं इसके नीचे यहीं पर डस्टबिन रखती हूँ जो मेरे लिए काफ़ी ईजी रहता है। यह हमारे नीचे सिलेंडर्स हैं, और देखिए अब तो गैस पे बहुत मुझे इंडक्शन पे, क्योंकि कहते हैं ना नई नई चीज़ आती है तो हमें कुछ ज़्यादा जोश रहता है उसका, तो वही मेरा हाल है। मेरा इंडक्शन आया हुआ है तो मैं उसी पर खाना ज़्यादातर बनाती हूँ, 90% इस पर तो वो बनाती हूँ जो उस पर न बन सके, या जल्दी में हो तो दोनों तरफ बनाना होता है तो इसको यूज़ करते हैं, अदरवाइज़ ये कम ही यूज़ होता है। तो ये है मेरा गैस, और अभी विम्मी आटा लगा के गई है अभी, क्योंकि अभी 9 बज रहे हैं तो तिवारी जी अभी आएंगे तो नाश्ता वगैरह बनाने के लिए अभी आटा लगा के गई है। ये है मेरा मार्बल का चौका बेलना। और यहाँ पर फ्रेंड देखिए, ये है मेरा माइक्रोवेव ओवन, ये LG का है 30 लीटर का। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये मेरी शेल्फ है बर्तन रखने की छोटी सी, ऊपर तो मैंने डिब्बे वगैरह रखे हैं फ्रेंड्स, मैं उसको एकदम प्रॉपर अरेंज नहीं कर पाती हूँ। ये मेरे बच्चों का बूस्ट है जो मंथली आता है, मेरा अभी छुआरे ख़त्म हो गए हैं, तिवारी जी को टाइम नहीं है, टाइम हो तो मार्केट जाएं और लाएं, ये मेरे छुआरे का डिब्बा है। और बाकी आप लोग मेरे शेल्फ पर देख रहे होंगे पतंजलि के डिब्बे बहुत सारे, तो पतंजलि के डिब्बे फ्रेंड इस तरह से बहुत सारे हैं, क्योंकि हर महीने पतंजलि आता है और वह ख़त्म होता है, तो डिब्बे उसके इतने मजबूत होते हैं कि मुझसे फेंका नहीं जाता, मैं उसको यूज़ कर लेती हूँ। और आप लोग देख रहे हैं ये इस साइड में मैंने छोटे छोटे डिब्बे लगा रखे हैं, और ये इसमें एक कार्टून में रखा हुआ है ताकि जब भी ज़रूरत पड़े इस कार्टून को उतारो और वो डिब्बे तुरंत मिल जाए, एक एक ना उतारना पड़े। यहाँ देखिए फ्रेंड, ये स्टील के आप जो दो टंकियाँ देख रही हैं मेरी चावल की टंकियाँ हैं, इस महीने के चावल इसमें भरे हैं। और यहाँ पर हम लोगों ने 25 किलो का एक बड़ा सा देख रहे हैं बोरा लाए हुए हैं चावल का नेक्स्ट मंथ के लिए। और ये आटे का है, अब मैंने आपको उस दिन दिखाया था आटा, इसमें 30 किलो था तो डब्बे दोनों भरे हुए हैं, इतना एक्स्ट्रा है तो फिलहाल ये यूज़ करते हैं ताकि मतलब ये ख़त्म हो जाएगा तब डब्बे को हाथ लगाएंगे। ये मेरी मसाला दानी है जो आप लोगों ने कई बार वीडियोस में देखी होगी, मैं उसको यहाँ आटे के डिब्बे में रखती हूँ जो मेरे लिए इजी होता है। और ये देखिए मेरा चॉपर फ्रेंड, मेरा चॉपर खराब हो गया है, अब अगर ये बनेगा तो ठीक है, अदरवाइज मुझे दूसरा चॉपर लेना पड़ेगा।
और यहाँ पे मेरा नॉनस्टिक की तवा है जो मैं डोसा या पराठे के लिए कभी यूज़ करती हूँ। वैसे मैं करती नहीं हूँ फ्रेंड, आप लोगों ने देखा होगा मैं दो एनोडाइज तवे पर ही पराठा बना देती हूँ। और ये पॉलीथीन जो एक्स्ट्रा पॉलीथीन वगैरह आती है यहाँ पर रखे रहती हूँ। यहाँ पर ईजी है, यहाँ पर रखने से आंटी को भी ज़रूरत पड़ती है जब कचरा फेंकने जाती है तो कचरा उसी में डाल के ले जाके फेंक देती हैं, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे रखा हुआ फ्रेंड। यहाँ पर मेरा एक और सिलेंडर है, यहाँ आप देख रहे हैं दो चेयर मैंने रखी हुई है किचन में, एक ये और एक ये दो चेयर इसलिए रखी है क्योंकि बच्चे वगैरह भी आते हैं यहाँ पर बैठते हैं, तो इसीलिए फ्रेंड ये दो चेयर ठीक रहती है हमारे लिए यहाँ पर। और ये एक टेबल मैंने रखा हुआ है क्योंकि आप देख रहे हैं मेरा प्लेटफॉर्म काफ़ी छोटा है, गैस रखने के बाद बस थोड़ी सी जगह बचती है, तो खाना वाना बना के मैं फ्रेंड इसी टेबल पे ला के रखती हूँ, आप लोगों ने कई बार देखा होगा। तो मेरी दाल बन चुकी है अभी मॉर्निंग में, क्योंकि सवेरे सवेरे दाल हम लोग दाल खाते हैं तो दाल सवेरे सवेरे लगती है, दाल मेरी बन चुकी है। ये कुकर है जिसमें मैंने अदहन का पानी अंदाज के रखा हुआ है फ्रेंड। और ये देख रही है ये मेरा टेबल है छोटा सा, और यहाँ पर इसके पीछे आप लोग देख रहे होंगे मैंने स्पून के लिए रखा हुआ है ये, और ये नाइफ के हैं और इसमें गैस लाइटर भी रहता है। और ये फ्लास्क आप देख रहे हैं, ये फ्लास्क मेरे बच्चों के दूध गर्म करने के लिए है, इसमें मैं उनके दूध गर्म करती हूँ माइक्रोवेव ओवन में, माइक्रोवेव सेफ है। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड, यहाँ पर एक और बेसिन है, ये बेसिन का यूज़ मैं दाल चावल सब्जियाँ धोने के लिए करती हूँ। अब ये भी गंदा हो रखा है, इसको भी साफ़ करना फ्रेंड, दो तीन दिन से साफ़ नहीं हुआ है क्योंकि ज़्यादा यूज़ नहीं होता इसलिए इस तरफ मेरा आना नहीं होता। नीचे के बेसिन का मैं यूज़ नहीं करती हूँ, आंटी यूज़ करती हैं, जब पोछा ओछा लगाती हैं तो पानी वानी लेती हैं, इसको बराबर साफ़ रखते हैं हम लोग। और ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पर दरवाज़ा है, आप लोगों ने कई बार मेरी वीडियोस में देखा होगा, ये किचन के पीछे से बैक डोर है। और यहाँ पर देखिए ये हमारी डॉगी आके बैठ गई है, ये आके देखिए बैठ गई है सवेरे सवेरे दरवाज़ा खुलते ही। यहाँ पे फ्रेंड पिग्स भी बहुत आते हैं, देख रहे हैं आप लोग। और यहाँ पर थोड़ा सा गंदगी भी है, अम्फान तूफान में जो पेड़ गिरे हुए थे वो अभी तक पड़े हुए हैं, अभी तक उठे नहीं हैं, इस वजह से काफ़ी मतलब गंदगी सी फैली हुई है। बाहर का सीन तो मैंने आप लोगों को कई बार दिखाया है फ्रेंड, जो कि बहुत ही सुंदर है, आप लोग देखिए ग्रीनरी बहुत ही सुंदर है। और यहीं पे हमारे ये हमारे घर से ही लगे क्वार्टर से लगे हुए पड़ोस में है, ये भट्टाचार्य आंटी की फैमिली है, बंगाली फैमिली है, बहुत ही अच्छे बहुत ही स्वीट रिलेशन है हमारे इनसे। चलिए अब अंदर चलते हैं। तो फ्रेंड ये मेरा किचन का टूर है और सामने आप लोग देख रहे हैं। अभी आप सोचेंगे फ्रेंड कि ये दीवार इतनी गंदी क्यों, तो दीवार फ्रेंड हम लोग के इस क्वार्टर में, क्योंकि हम लोग कंपनी के क्वार्टर में रहते हैं, ये तब से है और ये दीवार मतलब ये ठीक नहीं हो सकती है, ये पूरी इसकी सीमेंट ही खराब है ये देखिए। तो ये अब क्योंकि हम कंपनी के क्वार्टर में रहते हैं इसलिए कंपनी का जिम्मा है इसको ठीक कराना, तो इसके लिए हम लोगों ने अप्लाई भी नहीं किया है, तो फ्रेंड नहीं किया है इसीलिए यहाँ पर हम खुद कुछ भी नहीं कर सकते हैं, इसको ऐसे ही देखना पड़ेगा। और फ्रेंड ये देखिए सामने मैंने कुछ कीले गाड़ रखी हैं जिसमें मैंने अपने चम्मच वगैरह जो भी ज़रूरत की चीज़ें, ये मेरी चाय की केतली है जिसमें गैस पर चाय बनती है, ये इंडक्शन सेफ नहीं है इसीलिए ये इंडक्शन पे नहीं इसमें यूज़ होता है, तो इसमें मैं नहीं बनाती हूँ, मैं स्टील के छोटे से टुपिया में बनाती हूँ चाय। और ये मेरा छोटा सा घी का डिब्बा है जिसमें मैं रेगुलर यूज़ के लिए घी निकाल के रखती हूँ फ्रेंड, क्योंकि घी ताकि इसमें तो जूठा मीठा भी होता रहता है, बच्चे भी निकालते हैं इसलिए इसमें निकाल के रखती हूँ फ्रेंड। अब चलिए यहाँ पे दिखाती हूँ, छोटी सी हमारी अलमारी है, यहाँ पर देखिए इसके ऊपर मैंने जो शेल्फ हैं छोटे छोटे, ये बड़े बड़े डब्बे आप ब्लू कलर के देख रहे होंगे फ्रेंड, इसमें मैं मंथली सामान जो एक्स्ट्रा सामान आ जाता है उनको इस डब्बे में मैं रखती हूँ फ्रेंड। और यहाँ पर देखिए ये सील है, ये सील रखा हुआ सील का जबकि कोई यूज़ नहीं होता इसलिए मैंने इसको फिर भी किचन में ही रखा हुआ है फ्रेंड। और ये अभी चावल खाली किया था, ये उसकी गोनी है, इसको भी यहाँ से हटाना है, तो ये सील ऐसी पड़ा हुआ, दो तीन सील है हमारे पास, इसके नीचे भी सिलेंडर है। और यहाँ पर देखिए ये हमारे तेल की, सरसों तेल मतलब मस्टर्ड ऑयल, और ये रिफाइंड ऑयल की बॉटल, ये मेरा आम का अचार है फ्रेंड। और ये देखिए सब डब्बे जिसमें सब दाल वाल जो भी ज़रूरत की चीज़ें मैंने रखा हुआ है, ऊपर भी देखिए आप वो बड़ी वाली में मसूर की दाल है जो गांव से तिवारी जी लेके आए थे। और देखिए फ्रेंड ये सब डिब्बे हैं हमारे, और ये जो ये एक शेल्फ है देखिए, ये इसमें मैं और सब सामान रखी हूँ, एकदम मतलब अरेंज नहीं रहता है क्योंकि निकालते रहते हैं रखते रहते हैं, मेरे पास इतना टाइम फ्रेंड रहता नहीं है, थक जाती हूँ। और नीचे मैंने वो कुकर रखे हैं जो गैस वाले हैं, नीचे दो कुकर नीचे रखे हुए हैं मैंने, और बाकी कढ़ाई वढ़ाई और बर्तन एक्स्ट्रा जो यूज़ में होते हैं मैं उतने ही बर्तन फ्रेंड निकालती हूँ जितना मुझे रेगुलर यूज़ होता है। तो ये मेरी अलमारी है, इसमें मैं सामान अपना सब रखी हूँ।
देखिए छोटी सी अलमारी है फ्रेंड। अब मैंने अपना आप पूरा किचन टूर आपको करा दिया है। और ये देखिए, ये मेरा एनोडाइज तवा है जो नॉर्मली मैं यूज़ करती हूँ। ये मेरा चॉपिंग बोर्ड है जिसमें मैं वेजिटेबल चॉप करती हूँ। नॉर्मली तो मैं ऐसे ही कट करती हूँ, निम्मी विम्मी को चॉपर चॉपिंग बोर्ड की ज़रूरत पड़ती है तो वो लोग चॉप करती हैं इस पर। और ये कोई बॉटल वॉटल क्लीन करने के लिए है तो मैंने रखा हुआ है। तो फ्रेंड मैंने अपना आप लोगों को पूरा किचन टूर करा दिया है। कमेंट करके मुझे ज़रूर से बताना कि आप लोगों को मेरा किचन टूर कैसा लगा। वैसे तो ज़्यादा ऑर्गेनाइज नहीं है फ्रेंड, क्योंकि बच्चों वाला घर है और बेटियाँ जो जहाँ से उठाता है वहीं रख देता है और मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता है। प्लस मैं थक भी जाती हूँ रेगुलर, आप लोगों ने तो मेरा रूटीन देखा है उसमें मैं फ्रेंड थक जाती हूँ। मेरे में इतना हिम्मत नहीं रहता है कि मैं उसको अरेंज करती रहूँ। इसीलिए आपको मेरा घर उतना अरेंज शायद मिले न। आप लोगों को कैसा लगा, आप लोगों को मेरा किचन जरूर से मुझे कमेंट करके आप लोग बताना। और आई होप कि आप लोगों को मेरा आज का ये ब्लॉग बहुत पसंद आएगा। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ करेंगे, ढेर सारे लाइक्स करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना फ्रेंड नहीं जाएंगे आप लोग। प्लीज़ आई रिक्वेस्ट, जरूर से सब्सक्राइब कीजिए और पूरा वीडियो वॉच कीजिए फ्रेंड। एक और यूट्यूब का अपडेट मुझे पता चल रहा है कि जो लोग मतलब चैनल सब्सक्राइब कर लेते हैं लेकिन कभी चैनल पर आते नहीं हैं तो उन सब्सक्राइबर को YouTube अनसब्सक्राइब कर देता है। तो फ्रेंड ऐसे सब्सक्राइबर की क्या ज़रूरत है, कोई मतलब ही नहीं है। जो कभी चैनल पे आता ही नहीं है तो वो डेड सब्सक्राइबर होते हैं और उनको YouTube हटा देता है। आई थिंक यही प्रोसेस चल रहा है, इसी वजह से सबके सब्सक्राइबर कम हो रहे हैं। मैं YouTube पे रिसर्च कर रही हूँ, देख रही हूँ कि क्यों हम लोगों के सब्सक्राइबर कम हो रहे हैं। तो फ्रेंड यही कारण समझ में आ रहा है, सब यूट्यूबर्स यही बोल रहे हैं कि जो डेड सब्सक्राइबर होते हैं जो कभी चैनल, तो फ्रेंड अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो प्लीज़ विजिट किया कीजिए चैनल पर, आया कीजिए और कम से कम 3-4 मिनट तो वीडियो जरूर देखा कीजिए। और जब वीडियो देखा कीजिए उसके बाद ही कमेंट किया कीजिए या लाइक किया कीजिए। आते ही चैनल ओपन करते ही अगर आप कमेंट करेंगे या चैनल को लाइक या वीडियो को लाइक कर देंगे तो वो स्पैम में चला जाता है, वो काउंट नहीं होता है फ्रेंड। और इससे हमारा चैनल खतरे में पड़ जाता है और हमारे सब्सक्राइबर भी यूट्यूब डिलीट कर देता है। तो प्लीज़ फ्रेंड अगर आप लोग इतना पसंद करते हैं, इतना प्यार करते हैं, देखिए यहाँ से मैं व्यूज़ दिखा देती हूँ। कई बार तो मैंने आप लोगों को दिखाया है फ्रेंड। ये सामने हमारा मॉप टंगा है जो यूज़ में कभी नहीं होता है क्योंकि राधा आंटी हाथ से ही धो साफ करती हैं, इसलिए साफ ये न्यू मॉप है। ऐसी इमरजेंसी में कभी कभार यूज़ कर लेते हैं, अदरवाइज इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। राधा आंटी हाथ से ही पोंछती हैं, अभी दूध गर्म हो ही रहा है फ्रेंड। तो प्लीज़ आप लोग अगर चैनल को ओपन करिए, अगर सब्सक्राइब किए हो तो चैनल पर विजिट जरूर कीजिए फ्रेंड, अदरवाइज यूट्यूब आपको अनसब्सक्राइब कर देगा और हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा आपके सब्सक्राइब करने का। ये देखिए फ्रेंड ये केतली है, पहले इस केतली को मैं यूज़ करती थी, अभी इस समय क्योंकि बहुत बड़ी है इसमें इतना चाय की ज़रूरत नहीं पड़ती, चाय की केतली थी और दूध मेरा इससे ज़्यादा आता है इसलिए ये ऐसी टंगी रहती है। चलिए फ्रेंड अब इस ब्लॉग का यहीं पर एंड करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरा ब्लॉग बहुत पसंद आएगा। ढेर सारे लाइक कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और फ्रेंड कल मिलूंगी बहुत ही अच्छे से प्यारे से ब्लॉग के साथ। बाय।